गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो यस्टरडे व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा था कल. यस्टरडे वी हैव लर्नड पैटर्न्स विथ शेप, कलर, साउंड एंड पोजीशन. सो टुडे वी विल स्टार्ट पैटर्न्स विथ नंबर्स. नंबर्स क्या होते हैं आप सबको पता है, 1, 2, 3, 4, दैट इज कॉल्ड नंबर. सो हियर इज एग्जाम्पल नंबर 1. Let's see, first number is 2, then 4 and 6. So, मैंने आपको कल बताया था कि पैटर्न को कैसे सॉल्व करना होता है. पहले हमको ऑब्जर्व करना होता है कि पैटर्न बना कैसे है, देन उसे कंटिन्यू करना होता है. सो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कैसे बना एक पैटर्न. 2 के बाद 4, 4 2 के बाद आता है ना, एंड देन 6, 6 4 के बाद आता है, ये आप सबको पता है. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि ये फॉरवर्ड काउंटिंग चल रही है, यानी आगे की तरफ लाइन से काउंटिंग चल रही है. सो उसी वे में ये पैटर्न कंटिन्यू करेंगे. अब ये तो हमें पता चल गया कि ये फॉरवर्ड काउंटिंग है. अब नेक्स्ट हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि कितने नंबर्स का गैप है, कितने नंबर्स का गैप आ रहा है. लेट्स सी, 2 के बाद 4 कितने नंबर को स्किप करके आ रहा है, कितने नंबर को छोड़ के आ रहा है. 2 के बाद 3 देन 4, यानी टू नंबर्स के गैप में आ रहा है. फिर 6 कितने नंबर्स के गैप में आ रहा है, 5 एंड 6 टू नंबर्स के गैप में आ रहा है. सो नेक्स्ट नंबर भी टू नंबर्स के गैप में आएगा, कि हमें सेम वे में पैटर्न कंटिन्यू करना होता है. तो 6 के बाद 7 देन 8 देन 9 एंड 10 टू नंबर्स का गैप. देन 11 एंड 12 टू नंबर्स का गैप. सो इन दिस वे एग्जाम्पल इज कम्प्लीटेड. देन एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स सी द फर्स्ट नंबर 5, देन 10, देन 15. ये भी फॉरवर्ड काउंटिंग है, लाइन से चल रहा है, बट ये यहाँ पर कितने नंबर्स का गैप है, 5 नंबर्स का गैप है. कैसे, लेट्स सी. 5 के बाद 10 कितने नंबर्स के बाद आया, 6, 7, 8, 9, 10 5 नंबर्स के बाद आया. देन अगेन 10 के बाद 15 कितने नंबर्स के बाद आया, लेट्स सी, 11, 12, 13, 14, 15 5 नंबर्स के बाद आया. 5 है ना यहाँ तक ब्लॉक, 1, 2, 3, 4, 5 15 आ गया. सेम नेक्स्ट नंबर भी 5 नंबर्स के गैप में आएगा. कैसे, 16, 17, 18, 19, 20 सो नेक्स्ट नंबर इज 20. 20 के बाद अगेन 5 नंबर्स का गैप करेंगे, 21, 22, 23, 24, 25 सो नेक्स्ट इज 25. देन 26, 27, 28, 29, 30 अगेन 5 नंबर्स का गैप. सो लेट्स सी, फ्रॉम स्टार्टिंग 5, देन फिर 5 नंबर्स का गैप 10, देन 5 नंबर्स का गैप 15. सो 5 नंबर्स पे जंप करके हमें ये पैटर्न को बनाना है. 15 के बाद हमने 5 नंबर्स पे जंप किया तो हम 20 पर आ गए. फिर हमने 5 पे जंप किया, 25 पे आ गए, एंड अगेन 5 नंबर्स पे जंप किया तो 30 पे आ गए. सो इन दिस वे दिस एग्जाम्पल फॉर्म्स अ पैटर्न. नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3. लेट्स सी द फर्स्ट नंबर 10, देन 20 एंड 30. सो ये भी लाइन से चल रहा है, 20 10 के बाद ही आता है, ये आप सबको पता है. तो ये भी फॉरवर्ड काउंटिंग है ना. तो कितने नंबर्स के गैप में हो रही है, लेट्स सी. 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 10 नंबर्स के गैप में हो रही है. अगेन 30 के बाद देखेंगे 10 नंबर्स, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 अगेन 10 नंबर्स पे जंप करेंगे तो क्या आएगा, 50. एंड फिर से सेम वे में 10 नंबर्स पे जंप करेंगे तो 60 आएगा. सो इन दिस वे
दिस एग्जाम्पल फॉर्म्स अ पैटर्न. सब जगह 10-10 नंबर्स का गैप है. देखो 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. सेम 60 में भी ये करेंगे. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 4. हियर फर्स्ट नंबर इज 10, देन 8 एंड देन 6. नाउ यहाँ पर हमें देखना है कि ये कौन सी काउंटिंग में जा रहा है. अब आप देख सकते हैं 8 तो 10 से पहले आता है, सबको पता है ये बात. तो ये बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है, यानी कि पीछे की साइड जाना. बैकवर्ड काउंटिंग आप सबको पता है. सो कितने नंबर्स के गैप में ये पीछे जा रहा है, कितना बैकवर्ड जा रहा है. लेट्स सी 10 के बाद 9 एंड 8 टू नंबर्स के गैप में जा रहा है. एंड 8 के बाद 7, 6. सो इसके बाद वाला नंबर भी बैकवर्ड जाएगा, कितना गैप आएगा उसमें भी 2, यानी कि 2 नंबर्स हम बैक जाएंगे, यानी लेस करेंगे इसमें से 6 में से. कैसे? 5, 4 टू नंबर्स बैक. अगेन 3, 2. अब यहाँ पर भी हमने टू नंबर्स का डिफरेंस देख रहे हैं, टू नंबर्स को लेस करेंगे. कर देखें 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पर हमको टू नंबर्स को बैक जाना है, तो टू नंबर्स को माइनस कर सकते हैं. तो ये हटा दिया हमने टू को, कितने बच गए 1 एंड 2. सब में हमको टू टू नंबर को लेस कर रहे हैं. देखो आप 10 में से हमने 2 को माइनस किया तो 8 बच गया, 8 में से भी 2 को माइनस किया तो 6 बच गया. जब हम बैकवर्ड काउंटिंग में जाते हैं तो हम 2-2 नंबर्स को लेस करते हैं, और जब हम फॉरवर्ड जाते हैं तो जितना भी गैप आता है उसको हम ऐड करते हैं. ये आप हमेशा याद रखना. और 2 के बाद आप फिर से 2 को हटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0. ऐसे ही सब में यही करना है हमको, 2-2 नंबर का यहाँ पर गैप रख के ये वाला पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 5. हियर फर्स्ट नंबर इज 30, देन 25 एंड 20. तो इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, क्या ऑब्जर्व किया हमने, 30 के बाद 25 आ रहा है, मतलब 25 तो 30 से पहले आता है. तो ये भी बैकवर्ड काउंटिंग में जा रहा है, बट यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 5 नंबर्स का डिफरेंस है. कैसे? 30 के पहले 25 कितने नंबर्स बिफोर आता है. लेट्स सी 29, 28, 27, 26 एंड 25, 5 नंबर्स बिफोर. नाउ 20 कितने नंबर्स बिफोर आएगा, 24, 23, 22, 21, 20, 5 नंबर्स. अगेन नेक्स्ट नंबर भी हम 5 नंबर्स बिफोर रखेंगे. कैसे? 20 के पहले 19, 18, 17, 16, 15, 5 नंबर्स. अगेन 5 नंबर्स बैकवर्ड जाएंगे हम लोग, बैकवर्ड यानी पीछे की साइड. कैसे? 15 से पहले 5 नंबर्स को हम कैसे जंप करेंगे बैकवर्ड में, 14, 13, 12, 11, 10 नंबर्स बैकवर्ड चले गए हम. अगेन 9, 8, 7, 6, 5. सो इन दिस वे दिस एग्जाम्पल इज कम्प्लीटेड. फिर से देखेंगे इसको, 30 के बाद हम 5 नंबर्स बैकवर्ड जंप करके गए तो 25 पर आ गए. फिर 5 नंबर्स हमने बैकवर्ड जंप किया तो 20 एंड देन 15, 10 एंड 5. ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको स्टार्टिंग के 3 नंबर्स के साथ ये पैटर्न बना हुआ मिला था. तो हमने उसको पहले ऑब्जर्व किया कि कैसे ऑब्जर्व किया कि कौन सी काउंटिंग जा रही है. सबसे पहले हमने ये देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि कितने नंबर्स के गैप में ये बैकवर्ड जा रही है. सो इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड.